तो गाइस आप इसको जाके इंस्टा पे फॉलो करो, हैरी बाय बाय हो गया, बाय हो गया बॉय से, बाय हो गए। तो गाइस हम यहाँ नारियल पी रहे हैं पानी का, उस पानी नारियल का पानी पी रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल यार, थैंक यू सो मच व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। सो आज हम जा रहे हैं माइक लेने, अभी ये नहीं पता कहाँ मिलेगा, सेक्टर 18 में या 22 में, मार्केट जाके पता चलेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने यार पिछले व्लॉग में देखा था, मेरे पास कुछ ज्यादा सेटअप तो है नहीं, है ना, आप सिर्फ फोन है और एक गिम्बल है और एक ट्राइपॉड है, किसी से ही मैं शूट करता हूँ, और एक माइक ले रखा है जो मेरी पुरानी वीडियोस होती है फिटनेस वाली, जो बैठ के मैं बताता हूँ उसमें माइक यूज होता है। बट अब मैंने जो व्लॉगिंग करने का सोचा है कि भाई व्लॉगिंग भी करनी है तो एक माइक जरूरी है, बिकॉज इधर उधर जाते हैं तो वो आवाज नहीं आ पाती। अभी मैं बिना माइक के ही बोल रहा हूँ, तो होपफुली माइक लेने के बाद थोड़ी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव होगी, बाकी तो धीरे धीरे सीखेंगे यार, ऐसे ही प्यार देते रहो सारे। यार जो लोग पंजाब में रहते हैं मुझे एक बात बताओ, आपके वहां पे लॉकडाउन है क्या आप सैटरडे संडे? क्योंकि मैंने न्यूज में देखा था कि मंडे टू फ्राइडे मूवमेंट अलाउड है और सैटरडे संडे नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? कोरोना सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे को छुट्टी में जाता है, मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? और रेस्टोरेंट्स हो गए, बिजनेसेस हो गए 8 बजे तक खुले हैं भाई, मान लिया ठीक है ना, अब सारा दिन में कोरोना नहीं होगा, 8 बजे तक कोरोना हो जाएगा, मतलब कैसे कैसे लॉजिक है ना। या तो पूरा दिन बंद रखो या खोलो ही मत, अब खोल रहे हो तो ढंग से खोल दो ताकि लोगों की कमाई भी हो जाए, अजीब अजीब लॉजिक है, समझ में नहीं आते। एंड इसके बाद हमारी डिस्कशन थी टैटू पे, कौन सा टैटू बनवाया जाए। अभी मैं टैटू बनवाने जा नहीं रहा हूँ, बट हैरी और मैंने अभी डिसाइड नहीं किया क्या बनवाना है, बट ऐसा बनवाना है ताकि हम कल को रिग्रेट ना करें 5 साल के बाद, क्यों भाई हैरी क्या कहता है यार, समथिंग रिलेटेबल समथिंग गुड। इसके पास ऑलरेडी 2 टैटूज हैं, 2 या 3 टैटूज हैं, है ना, पर अब की बार मैंने भी सोचा और इसने भी सोचा कि समथिंग मीनिंगफुल जिसे हम 20 साल बाद भी अगर देखें तो याद करेगी यार ये चीज हमारे हार्ट के बहुत पास है। बहुत लोगों को देखा यार कि भाई टैटू भी बनवा लेते हैं जल्दबाजी में, बाद में फिर उसको कवर करवाते रहते हैं, हैरी की भी यही सिचुएशन चल रही है अभी, इसने भी एक टैटू बनवाया था बाजू पे, बट ये उसको कवर करवाना चाहता है। क्यों हैरी क्या हुआ भाई? क्योंकि जस्ट लुक सो अनप्रोफेशनल, ये उस टाइम जल्दी जल्दी में बनवाया था मैंने, बट इट्स नॉट गिविंग मी दैट काइंड ऑफ वाइब जो मुझे चाहिए, सो इसको मैं कवर अप करवाऊंगा समथिंग बिग ऑन दिस पार्ट। अच्छा, सो इट विल बी गुड। सही, तो मैं भी यही जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि भाई कल को मेरी भी ऐसी सिचुएशन हो कि भाई कवर करवाता फिर। सो आइडियाज के लिए ओपन है यार, हम प्लीज कमेंट करके बताओ हमें कि क्या बनवाया जाए, बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, पर मुझे आप बता सकते हो थोड़े बहुत आइडिया दे दो, हेल्प हो जाएगी भाई की। एंड ये 18 की मार्केट जहाँ हमने 3 घंटे लगा दिए पर माइक कहीं नहीं मिला, एंड वी ट्राइड इनफ कि इसको माइक मिल जाए बट इसको नहीं मिला क्योंकि इसका बजट था 2,000-3,000 का, गरीब है बेचारा, और इसको मिला कैसे 6,000 कुछ समथिंग का, तो इसने मना कर दिया, कहते हैं गाइस हम यहाँ नारियल पी रहे हैं पानी का, उस पानी नारियल का पानी पी रहे हैं। गाइस हमने यहाँ ट्राई किया माइक ढूंढने की, आज तो मिला नहीं, सेक्टर 18 में चंडीगढ़ में मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, अभी ऑनलाइन देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो माइक है वो बहुत महंगे हैं भाई, अभी 5-6 हज़ार का मैं माइक लेने का कोई तुक नहीं बनता इतना महंगा। सो इतनी देर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, हम नारियल तो अब भूख लगी है कुछ खाते पीते हैं, नारियल पानी वाला दिखा रहे थे, नारियल पानी पी रहे। सो गाइज इट्स रियली इम्पोर्टेंट गाइज कि आप इस गर्मी के अंदर अपने आप को हाइड्रेट रखें, और जो नारियल का पानी है लाइक कोकोनट वाटर, इसके अंदर आपको काफी एंजाइम मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, सो इट विल कीप यू हाइड्रेटेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। भाई यहाँ पे पाठशाला चल रही है मिस्टर हैरी की, सुन लो। सो डू राइट दिस टिप डाउन गाइस, एंड दिन में कम से कम 2-3 बारी पियो जरूर है। 2-3 बार आप ये नारियल का पानी पिए गाइस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, लेट मी शो यू गाइस, इट्स कमिंग अप। थैंक यू, गर्मी में अभी गर्मी के पानी पिएंगे। सो बाहर ढूंढने के बाद माइक तो मिला नहीं, सो घर आके मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया, अभी देखते हैं कितने दिन में आता है, होपफुली जल्दी आ जाएगा।
एंड मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डाल दूंगा एंड होपफुली अब वीडियोस की जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर सपोर्टिंग यार. थैंक यू सो मच.